लोकसभा चुनावों में शनिवार के दिन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। एक और जहां कांग्रेस और जेजेपी प्रत्याशी ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए, वहीं बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार जनकराज अटवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बातचीत में जनकराज अटवाल ने भी अपनी जीत का दावा किया। सिरसा में आज कांग्रेस प्रत्याशी अशोक तंवर ने अपना नामांकन दाखिल किया। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। बहुत अच्छा प्यार मिला है मुझे सर्व समाज का। बहुत ही दुखी हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उसकी नीतियों से, और कांग्रेस से पहले से ही दुखी थे, इसीलिए कांग्रेस को साइड में रख रखा है उन्होंने पहले से ही। और अब जो है वो बहन मायावती जी की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने घोषणा पत्र में डिक्लेयर की हैं, उससे लोग बहुत उत्साहित हैं और वो इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं बहुत बखान नहीं कर सकता उस प्यार को, इतना प्यार दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं भी जीत का दावा ही नहीं, जीतूंगा। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज देश का संविधान खतरे में है। जो लोग दलित हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड्स क्लास के लोग हैं, वो सभी आज ऐसे डरे हुए हैं कि हमारे हकों पे डाका डाला जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, जो संविधान के अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो मायावती बहन जी ने ये एक बीड़ा उठाया है कि हमने एक संविधान को बचाना है। आज यही मुद्दा मैं लेके चला हूँ बहन जी के आदेश से कि हमें संविधान को बचाना है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं।